बांग्ला बाजार स्मृति उपवन में आज बहन कुमारी मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दोपहर 2 बजे आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अपनी पार्टी के लोगों का संबोधन किया, जिसमें 169 बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सलाउद्दीन सिद्दीकी मसन के क्षेत्र के युवा कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से समर्थन कर क्षेत्रवासियों से वोट की अपील की। बाबा साहब अमर रहे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। बीजेपी की क्या पहचान? नीला झंडा हिंसा। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हिंसा। बीएसपी के काशीराम साहब अमर रहे, काशीराम साहब अमर रहे, संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ। आज हम लोग आए हैं बंगला बाजार के स्मृति उपवन में, जहां बहन कुमारी मायावती ने अपने बहुजन समाज पार्टी और प्रत्याशियों को लेके सभा को संबोधित किया है। आपका नाम? ब्रजभान राव जी। जैसा कि ये भीम आर्मी भीम सेवा संस्थान के कार्यकर्ता है और बहन जी के समर्थन में है सलाउद्दीन सिद्दीकी, जो कि बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी है 169 विधानसभा क्षेत्र बख्शी का तालाब। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस बार? सर, प्रथम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं अपनी टीम भीम सेवा संस्थान की ओर से जितने भी दर्शक देख रहे हैं आपके चैनल को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ, और आप से लोगों से अपील है कि आपके क्षेत्र में, आपके इस यूपी में जहाँ भी बीएसपी का कार्यकर्ता लड़ रहा है, आप ये समझकर उसको वोट करिए कि वहाँ पर हमारी बहन जी चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि बहन जी का जो शासन काल है इतना अच्छा शासन काल है, हर माएँ बहनें बेटियाँ सभी सुरक्षित रहती हैं, आप लोग भी सुरक्षित उन्हीं के माध्यम से रहते हैं, और ये जो पार्टी है हमारे माननीय साहब काशीराम साहब के मार्गदर्शन के हिसाब चलती है, बाबा साहब के बनाए संविधान के हिसाब चलती है, जो भी काम होता है नियम कानून से होता है, इसमें कोई भी काम गलत नहीं होता है। हर व्यक्ति जो तारीफ करता है वो सिर्फ बहन जी की, सरकार की तारीफ करता है कि जब बहन जी शासन में आती हैं तो गुंडे भू माफिया डॉन वगैरह सबकी तुलती बंद हो जाती है, वो घर के अंदर छुप जाते हैं, या तो कोई प्रदेश छोड़ देता है या फिर कोई देश छोड़ देता है। और रही शासन की बात, शासन इतना बढ़िया रहता है कि हर विभाग और हर विभाग के व्यक्ति, अफसर, आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर सभी राइट टाइम होते हैं, पूरा समय देते हैं, और जब गरीब आदमी अगर ऑफिस उनके जाता है तो उनकी सुनी जाती है, और सुबह 8 बजे वो कुर्सी पे बैठते हैं और जब तक उनकी ड्यूटी होती है तब तक ड्यूटी बजाते हैं और हमारे सभी भाइयों की सुनी जाती है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आज बहन कुमारी मायावती ने सभा को संबोधित किया है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा, आपका नाम? थोड़ा जोर से। जैसा कि बहन कुमारी मायावती ने सभा को संबोधित किया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यही जनता को मैं बताना चाहता हूं कि जो मायावती का सपना है 2022 उत्तर प्रदेश में सीएम बनने का और सत्ता में आने का, तो मैं जो भी जनता है उससे मैं अपील करना चाहता हूँ कि भारी से भारी मतों से वोट करके बहन कुमारी मायावती को सत्ता में लाएं और सीएम बनाएं। आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि बहन कुमारी मायावती ने संबोधित किया जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ बीएसपी के मैदान में। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बीएसपी पार्टी है वो एक राजनीतिक पार्टी, उसको न लीजिएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब के द्वारा शुरू किया गया एक सामाजिक आंदोलन
निचले वर्ग का व्यक्ति है उसको किस तरीके से ऊपर उठाना है और भारत के संविधान के अनुसार समता और स्वतंत्रता और बंधुत्व और भाईचारे को जो है आगे लाना है। और वो काफ़ी कुछ हद तक हमारी बीएसपी पार्टी और हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 से 2012 तक करके दिखाया हुआ है। और जैसा कि लोग प्रोपेगंडा बनाते हैं कि बीएसपी पार्टी जो है निकलती नहीं है और बहन कुमारी मायावती ट्वीट के जरिए काम करती हैं, बीएसपी का जो कार्यकर्ता है, आपको बताना चाहता हूँ, बीएसपी का जो कार्यकर्ता है वो खुद इतना इंस्पायर रहता है पहले से ही कि बहन कुमारी मायावती से जैसे होता नहीं कि मतलब धरना देते हैं लोग कि अखिलेश यादव आए यहाँ पर आए और हमारे साथ धरना दें, तो वहाँ पर जाकर के सबसे पहले वहाँ बीएसपी के कार्यकर्ता ही वो काम कर देते हैं, तो हमारी बहन कुमारी मायावती जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पहली बात तो मतलब उसके इतना कार्यकर्ता मोटिवेट रहते हैं जो मतलब आगे जो है शिक्षित हो रहे हैं धीरे धीरे। अब जो है काफ़ी कुछ जो है जो पिछड़ा वर्ग था और जो जिसको कहते हैं दलित शब्द लिया जाता है उस समाज के लोग, क्योंकि देखिए जो सत्ता परिवर्तन किया जाता है वो इसी कारण से किया जाता है और सत्ता इसीलिए बनाई जाती है कि भाई जो अमीर आदमी हो तो पहले ही अमीर है तो उसको तो ज़रूरत ही नहीं है, वो तो वोट भी नहीं डालने जाना जाता है, वो तो गरीबों के लिए सत्ता होती है और गरीबों के लिए ही सत्ता परिवर्तन की बात होती है कि क्यों सत्ता ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत प्राचीन बात बताना चाहता हूँ कि जैसे सम्राट अशोक जो थे उनको जब ज्ञान हुआ, जब उपगुप्त के ऋषि उनके भतीजे ही थे उपगुप्त से, कि मतलब जो है हिंसा से हर चीज़ नहीं जीता जा सकता, उसी सिद्धांत के अनुसार हमारे बाबा साहब जो गौतम बुद्ध ने सिद्धांत दिया था उसी सिद्धांत में बीएसपी पार्टी चलती है, वो हिंसा पर विश्वास नहीं करती है और हिंसा जहाँ होती है तो वहाँ से कन्नी काटने का काम करती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बीएसपी पार्टी जो है वो एक पार्टी नहीं है, वो पार्टी नहीं है, मैं अभी कहता हूँ, जिस तरीके बीजेपी गंदी राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण और सांप्रदायिकता बात तो करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लेकिन महिला सशक्तिकरण की और सौभाग्य कन्यादान की, लेकिन एक महिला का जो है हथरस में मतलब सोचने वाली बात है। मेरे तो अंदर जलन उठ रही थी, मैं जब ये केस सुना था मैं लग रहा था साले को जा करके आए गोली मार दूँ जाके चारों को, समझिए मेरी एक समाज की बहन बेटी के साथ इस तरीके होता है। और डीएम वो मतलब उसको उस परिवार को धमकाता है कि तुम अगर कुछ बोलोगे तो तुमको जेल में डाल देंगे, उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है और बताते हैं कि वो सीएम से आर्डर है, ये क्या है, ये जातिवादा है कि नहीं है। और कहते हैं हम सबके समाज की बात करते हैं, अगर यही कांग्रेस अगर बीजेपी करती रहती है ना तो आज भी जो समाज कितना आगे निकल गया और हम आज वहीं का वहीं जातिवादी मानसिकता पर पड़े हुए हैं। कभी भी जातिवाद से ऊपर उठ के देखो कि क्या होता है, आज भी महिलाओं के साथ आज भी गरीब वर्गों के साथ बलात्कार होते हैं, छेड़छाड़ होते हैं, मारा जाता है, घसीटा जाता है उन लोगों के साथ और कोई सुनवाई नहीं होती है, भाई थाने में रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती है, तो ये क्या है, मतलब एक सोची समझी राजनीति। अब इस समय मैं देख रहा था कि इस समय जो पूरे 75 जिलों में कि SSP DM SDM जो थे, मैं देख रहा था कि समाज का जो समीकरण है तो वो कितना है। अब उसमें मैंने देखा कि जो हेड थे अर्थात जो है ठाकुर जिनको कहते हैं, तो वो जो योगी के सपोर्टर में थे उनको योगी ने किसी को DM बना दिया, किसी को SDM बना दिया और किसी को SSP बना दिया और किसी को जो है मतलब बड़े बड़े अपने सीनियर अधिकारियों में रखा। जातिवादिता है कि नहीं है, जातिवादिता क्या हमारे समाज में नहीं होते हैं पैदा, महान एक समाज को महान अधिकार मिला था तो बाबा साहब ने संविधान लिख दिया था कि संविधान, अगर वो संविधान न लिखते होते ना तो भारत में आज गृह युद्ध हो जाता, जिस समय उस समय रणनीति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली जिस तरीके राजनीति चल रही थी, मैं पॉलिटिकल साइंस भी पास हूँ कि मतलब क्या मतलब मैं देखता हूँ कि वर्ण व्यवस्था का जैसे बाबा साहब ने कहा था कि पुनः प्रैक्टिस की बात होती है, भाई गरीब मजदूर हैं इन सब चीज़ों को नहीं पता होता है, लेकिन यही हम लोगों को जागृत हमारा जानने का अधिकार है और हम लोगों को बताने का अधिकार है कि मतलब अपने समाज को हम बताएं, अगर हम कोई जानकारी इकट्ठा किए हम अपने महापुरुषों को जाने। अब जैसे मैं आज देख रहा था कि मोदी जी जो है दिल्ली के करोल बाग में संत रविदास जी के मतलब मत्था टेक रहे थे, मैंने कहा क्या गजब है यार, मतलब कितना ढोंग है, कितना ढोंग है। और वहाँ मीडिया जो है वहाँ बैठ रहे हैं, वहाँ चप्पल उतार रहे हैं तो बिल्कुल एक एक नज़र गड़ाए बैठी है, लेकिन वही बहन बेटी के साथ जब बलात्कार होता है तो वही मीडिया जो है गुम हो जाती है, समझिए सब नहीं दिखाई देती है। तो वही जब संत रविदास जी का जब मंदिर तोड़ा गया था 18 में, जो हमारे आदर्श गुरु थे, जो समता मूलक समाज की बात की थी,
और काफी हद तक वो भी बहुत महान पुरुष थे, मतलब एक प्रकार से समाज सुधारक जिनको कहते हैं, जो ऐसे मनुष्य जैसे हमारे बाबा साहब पैदा हुए, शताब्दी में एक आधे ऐसे लोग पैदा होते हैं, दो तीन शताब्दियों में ऐसे लोग जैसे ज्योतिबा राव फूले पैदा हुए, ज्ञान की देवी, जैसे ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फूले को कहते हैं, ज्ञान की देवी भारत में जो है मनुवाद सिखाता है कि वो सरस्वती है, सरस्वती तो काल्पनिक देवी है, उनको बताया जाता है वो तो हमें भाई महान पुरुष कौन होता है, भगवान कौन होता है, जिसके माध्यम से समाज में परिवर्तन है। अगर हम शिक्षित हैं तो ये हमें इनका जो जिम्मा है ये हमें शिक्षित करेंगे, हमारे लिए भगवान हुए, ना कि वो जिनको हम जानते भी नहीं है, जिनको हमने कभी देखा भी नहीं है और कभी जो है वैसी विचारधारा से नहीं आए हैं, सोचिए। तो ये गलत मानसिकता फैलाई जाती है, जो ज्ञान की देवी थी मैं सावित्रीबाई फूले की एक छोटी सी पतली सी किताब थी, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, मेरे आँख में आंसू आ गए थे, समझ लीजिए कि मतलब क्या यार वाकई में सरस्वती मतलब क्या ज्ञान की देवी थी, मुझे उस दिन सोचने पड़ गया। मैंने पहले भी मेरी थोड़ी थोड़ी आस्था थी कि सरस्वती, फिर मैं सोचा कि यार नहीं यार ये गलत है। जब मैंने पढ़ा, इसीलिए कहते बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा, समझ। जैसा कि आज हमने बहुजन समाज पार्टी के युवा कार्यकर्ता हैं जो काफ़ी उत्साहित हैं और बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ कैमरामैन पूर्णिमा सोनकर।